हेलो गाइस, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बहुत ही टेस्टी डिश बनाने वाले हैं। आज हम लिट्टी बनाएंगे बॉईल करके। तो उसके लिए मैंने लिया है आटा। सबसे पहले तो लिट्टी के लिए आटा और सत्तू बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो हमने दोनों चीज़ें ले ली हैं। अब मैं क्वांटिटी बताती हूँ। मैंने 3 लोगों के लिए लिट्टी बनाने के लिए 250 ग्राम आटा लिया है। आटे में हम डालेंगे तेल, ये छोटे इस चम्मच से 1.5 चम्मच तेल है मैंने लिया है। थोड़ा सा कलौंजी ली है मैंने, ये 1/4 चम्मच, बहुत ही थोड़ी सी। और मैंने अजवाइन भी उतनी ही ली है, 1/4 चम्मच। और मैंने ये बेकिंग सोडा, मीठा सोडा लिया है, ये 1 पिंच है, बहुत ही थोड़ा सा है। तो ये तो हो गया, हम आटे में डालेंगे इसके लिए। और फिर हमने बनाया इसकी फिलिंग के लिए सत्तू लिया है। सत्तू के साथ हम बहुत सारे मसाले ऐड करेंगे, तो हम ये आटे में जो डालेंगे हम वो कर देते हैं साइड। और मैं एक एक इसमें मसाले डालती जाऊंगी और मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। तो मैंने लिया है ये 250 ग्राम सत्तू, तो हम इसको डाल देंगे एक बाउल में। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में से मैंने लिया है 1 पिंच हींग और 1 पिंच काली मिर्च, तो मैंने इसको भी इसी में ऐड कर दिया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये लाल मिर्च है, थोड़ी सी चटपटी है, तो मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप इसको मत डालिए, स्किप कर दीजिए। इसी के साथ मैंने लिया है, ये है अजवाइन, ये 1/4 चम्मच है, तो इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया और इसमें डाल दिया। क्रश करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने ये लिया है कलौंजी, तो मैंने ये भी 1/4 चम्मच ली है और इसको भी इसी में मैंने ऐड कर दिया। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। और हमने ये लिया है एक बहुत ही छोटे साइज की प्याज थी, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, तो इसको बहुत बारीक, हर मसाले ये हम बहुत ही बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो मैंने एक छोटे साइज की प्याज ली थी, तो मैंने ये ऐड कर दिया इसमें। इसी के साथ मैंने 2 मीडियम साइज की हरी मिर्ची ली थी, तो मैंने ये भी इसी में ऐड कर दिया। और मैंने लिया थोड़ी सी धनिया पत्ती, तो ये भी इसी में ऐड कर दिया। और इसी के साथ मैंने लिया था 5 कली छोटी छोटी सी लहसुन की, जिसको मैंने बहुत ही बारीक कट करी है, और ये भी मैंने इसी के साथ इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और नींबू। तो अगर आपके पास आम के अचार का तेल है, जैसे कि ये मेरे पास है, तो मैंने ये आम के अचार का तेल ले लिया है और मैं इसी को डालूंगी। इसमें ये होता है कि ये तेल तेल तो हो ही जाता है, इसके साथ जो हम नींबू अलग से डालते हैं वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी खटाई रहती है। तो आपके पास अगर आम के तेल का, आम अचार का तेल है, तो आप उसको डाल दीजिए, फिर आपको अलग से नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको कर दूंगी अच्छे से इसमें मिक्स। तो हम इसको कर लेते हैं मिक्स। फिर हम अपना आटा लगाएंगे, तो हम पहले सत्तू अच्छे से मिक्स करते हैं। हमको अब इसमें कुछ नहीं डालना है। अगर आप टेस्ट कर लें, अगर हल्का सा थोड़ा सा खट्टा वाला फील आना चाहिए, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको तैयार कर लेते हैं फीलिंग के लिए। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये येलो कलर का इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने इसमें अचार का तेल डाला था। और आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख लें, अगर ये इस तरह का थोड़ा सा बन जाता है पेड़ जैसा, तो ये बिल्कुल सही है। आप इसको आटे में भरेंगे तो ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। तो आप इसको दबा के ऐसे लड्डू जैसा बना के थोड़ा सा चेक कर लें। और इसमें आप कलौंजी बिल्कुल ज़्यादा मत डालिए, अगर नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। ज़्यादा डाल देंगे तो ये थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। और मैंने इसमें जो प्याज लहसुन मिर्ची काट के डाली है, अगर आपके बच्चे प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए। आप मिक्सी में थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस के फिर उसमें मिक्स कर दो, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पड़ा हुआ है प्याज लहसुन, और बच्चे बहुत आराम से खा भी लेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो प्याज लहसुन ये सब खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो आप इस तरह करके भी मिला सकते हैं। तो ये हमारा ही फीलिंग लिट्टी के एकदम से तैयार हो गई। अब हमको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो अब हम इसको रख देते हैं साइड और अब हम आटा गूंदेंगे। तो हम इसको साइड कर देते हैं।
तो मैंने आटा डाल दिया एक बर्तन में, ये मैंने 250 ग्राम आटा लिया था, ये चौथाई चम्मच मैंने ली थी अजवाइन तो मैंने इसी में डाल दी है, चौथाई चम्मच लिया था कलौंजी इसी में डाल दिया, 1.5 चम्मच तेल लिया था मैंने वो भी इसी में डाल दिया है, और मैंने डाला है इसमें 1/2 चम्मच नमक। तो हम आटा लगाएंगे, आटा हमारा ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा गीला, तो हम मीडियम साइज़ का आटा लगा के तैयार करेंगे। तो हम अब आटा लगा लेते हैं, हमने ये आटा लगा लिया है और इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। ये आटा बहुत ही परफेक्ट है, आपको इतना ही गीला आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं ना बहुत ज़्यादा टाइट, पूड़ी से जिस तरह हम आटे की पूड़ी बनाते हैं उससे हल्का सा ये आटा गीला रहना चाहिए। तो हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, फिर हम इसमें फिलिंग भरेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा सेट हो चुका है, अब हम इसको इस पे भरेंगे, लिट्टी बनाएंगे। तो हम लिट्टी के लिए हम इस साइज की छोटी छोटी लोइयां काटेंगे, तो हम इस तरह की इस साइज की छोटी छोटी लोइयां काटेंगे, इसको हम गोल करेंगे, थोड़ा सा हम हाथ में तेल लगा लेंगे और इसको हम इस तरह से गोल करके इस पे भर देंगे सत्तू। तो हम इस पे ये सत्तू डाल देंगे 1 चम्मच, इसको हम ऐसे दबा देंगे अंदर की साइड और इसको हम बंद कर देंगे। तो ये आप अपने हिसाब से, और इसको हम ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, हम इसको बस इसी साइज का ऐसे भर भर के सारे ये तैयार कर लेंगे। किसी किसी को जैसे ये नहीं आता है तो थोड़ा सा आप इसको अगर उसी तरह रहने देंगे तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप इसको भरने के बाद थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। और अगर आपको हाथ से भरना नहीं आता तो मैं आपको बेल के भी बताती हूँ। तो हम बेल के ऐसे बनाएंगे, हम थोड़ा सा आटा लेंगे सूखा हुआ और हम एक पेड़ा बनाएंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे और ये बहुत ही आसानी से जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह का, और फिर हम इसको ऐसे करके एकदम आप इसको ये जो उंगली है ना इसको ऐसे बीच में रख के इसको गहराई में से गोल करेंगे, इस पे डाल देंगे ये सत्तू। सत्तू ज़्यादा मत डालें नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको 1/2 से 1/4 चम्मच ही सत्तू डालें, और फिर हम इसको कर देंगे अच्छे से ऐसे बंद। और फिर हम इसको थोड़ा सा लगा देंगे जैसे आटा सूखा, और हम इसको एक बेलन ऐसे कर देंगे, बस ये हो गया। और हम इसको ऐसे कर देंगे, तो आप इस तरह की भी बना सकते हैं, तो आपको जैसी अच्छी लगे आप उस हिसाब से इसको बना लीजिए। तो हम इस तरह की ही पूरी लिट्टी भर लेंगे और फिर हम इसको बॉईल करेंगे। तो जब तक मैं लिट्टी भर रही हूँ, जब तक हम गैस में पानी रख देंगे गर्म होने के लिए, मैंने एक बर्तन ले लिया है गैस पे रख दिया है और इस पे मैंने डाल दिया है 1.5 लीटर पानी। तो पानी जब तक बॉयल होगा जब तक हम सारी लिट्टी भर लेंगे और फिर हम इसमें एक एक करके सारी लिट्टियाँ डाल देंगे। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें सारी एक एक करके लिट्टी डाल देंगे। और हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये पक गई, तो मैं बताती हूँ आपको, ये जब फूल फूल के ऊपर आ जाएंगी सारी लिट्टियाँ तो ये अच्छे से पक गई, उस टाइम पे हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह हम सारी लिट्टी इसमें डाल देते हैं और बर्तन वो कर देते हैं कवर, तो हमको यहाँ से दिखाई भी देता रहेगा और हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। और इसको आप फ्लेम को मीडियम ही रखिए, तो हम देखते हैं कब तक पकती है। 15 मिनट हो गए हैं लिट्टी पकते हुए और ये सारी लिट्टी ऊपर आ गई है फूल फूल के, तो हम इस टाइम पे इसको निकाल लेंगे। ये पक चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मैं गैस कर दूंगी बंद और सारी लिट्टी को निकाल लूंगी एक प्लेट पे। फिर हम इसको 5 मिनट तक इसका पानी निकलने देंगे और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे थोड़ा सा सेमी फ्राई। तो मैं इसे इस तरह करके
सारी लिट्टी निकाल लूंगी। 15 मिनट में बहुत आराम से फूल गई है और अच्छे से अंदर तक पक भी गई है। तो इसी तरह मैं सारी निकाल लूंगी। इस तरह सारी ये निकाल के एक प्लेट में, और आप इसको किसी ऐसे गहरे बर्तन में रख दें जिससे इसका पूरा पानी आराम से निकल जाएगा, और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगी। फिर हम इसको थोड़ा सा सेमी फ्राई करेंगे। तो हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब 5 मिनट हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप कि एकदम से ये ड्राई हो गई हैं। तो हम इस टाइम पे रखेंगे, एक फ्राई पैन मैंने रख दिया है गैस पे, गैस कर दिया है ऑन, और इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे तेल, आधा कप के आसपास हम इसमें तेल डाल देंगे। ये मैंने आधा कप इसमें डाल दिया तेल। तो हम इसी में इसको सेक लेंगे उलट पलट के अच्छे से, तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची और इसको हम उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 5 मिनट में सीख के एकदम से रेडी हो जाएंगी, क्योंकि ये पहले से ही सीखी हुई थी, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। एक तरफ से हो गई है तो मैं इसको दूसरी तरफ से ऐसे उलट पलट के सेक लूंगी। हम इनको हल्का सा गोल्डन कलर का करेंगे, तो ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेक लेंगे अच्छे से। उलट पलट के मैंने अच्छे से इनको सेक लिया है, और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छे से पक गई हैं, इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैंने जितना तेल डाला था उसमें से मुझे उतना ही दिख रहा है, बहुत ही थोड़ा सा लगा होगा। तो आप इसमें तेल ज़्यादा यूज़ ना करें। तो हम इसको इसमें से गैस कर देंगे बंद, और हम प्लेट में सारी लिट्टी निकाल देंगे। ये ऐसे फट जाती है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गई है। तो हम इसको अभी सब निकाल लेंगे बर्तन में, और ये इतनी टेस्टी दिख रही है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच तेल डाल के वापिस इसको आप फ्राई कर सकते हैं जीरा डाल के, और अदरवाइज़ तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है फ्राई करने की। हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में। अगर आपको कहीं सफ़र में जाना है तो आप इसको बना लीजिए, सबसे बेस्ट नाश्ता खाना, ये कुछ भी आप इसका कर सकते हैं, और ये 3 से 4 दिन तक ख़राब भी नहीं होती है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आने जाने के लिए। और ये जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितनी टेस्टी लगती है, और ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो मैं आपको एक कट करके दिखाऊंगी, तो देखिएगा ये कितना अच्छा है। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। पहली बात ये बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से एकदम से सॉफ्ट है, तो ये बिल्कुल अच्छा है। देखिए इसको बनाइए खाइए, और अपना अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। लिट्टी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गई है, तो आप इसके साथ चटनी बना लीजिए टमाटर की, और ये बैंगन का भरता बना लीजिए, तो आप खाइए लिट्टी चोखा चटनी। और अगर आपको ये बैंगन भरते की रेसिपी देखनी है तो मैंने अपने चैनल पे इसको शेयर कर दिया है, तो आप जाइए और देखिए और फटाफट से बनाइए बैंगन भरता लिट्टी चोखा चटनी, और एंजॉय कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।